हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। स्वागत है आपका मेरी फैमिली किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ 6 रोटी से बना एकदम नए तरीके का सबसे आसान टी टाइम स्नैक, जिसे आप झटपट से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, एकदम खस्ता बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आती है रेसिपी तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे आटा। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है 2 कप। आप फ्रेंड्स 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से। तो बस आटा ले लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और यहाँ पर ली है अजवाइन, इसको क्रश कर कर इसमें डालेंगे तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। जब भी कोई जैसे स्नैक वगैरह बनाते हैं तो अजवाइन ज़रूर डालें। तो अब इसमें डालेंगे ऑयल। तो 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको डालकर अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो स्नैक है एकदम खस्ता बनेगा। तो बढ़िया से देखिए मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मिक्स हो जाए उसके बाद आपको आटा लगाना है। तो आटा आपको ना ज़्यादा ढीला लगाना है ना ज़्यादा ही टाइट, आपको पूड़ी की तरह आटा लगा लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया से आपको चिकना आटा लगा लेना है। तो मैं इसको गूंथ ले रही हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आटा देखिए लगा लिया है। और इसको देखिए, जब भी आप आटा लगाएं ना, थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लें, जिससे चिपकेगा नहीं। और यहाँ पर आटा लग चुका है। अब इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं आइस क्यूब, 5-6 बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं, 3 से 4 चम्मच छोटी देसी घी डालेंगे और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ बना रहे हैं साटा, तो इस तरीके से साटा बनाते हैं ना, तो जो घी है ना जल्दी से देखिए गाढ़ा हो जाता है और चिकना हो जाता है, और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ बन चुका है, जो एक्स्ट्रा बर्फ है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर ये साटा बनकर तैयार है, इसका यूज आगे करेंगे। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो इधर देखिए आटे को थोड़ा सा चिकना करेंगे और देखिए इसकी लोई बना लेंगे। तो 6 लोई मैंने यहाँ पर बना ली हैं। और अब क्या करना है, इसको बेलना है। 6 रोटी बेलकर तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा को डस्ट कर लिया है, आप चाहे तो आटा भी डस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको पतली रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो मैं 6 रोटी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से थिकनेस आपको रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 6 रोटी बन चुकी हैं। तो आपको इस तरीके से 6 रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो आप कम ज़्यादा रोटियां यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बना स्नैक बहुत ही बढ़िया बनता है और झटपट से बनता है और एकदम यूनिक तरीके का नया स्नैक है। बस एक बिली हुई रोटी लेंगे और इसमें ये जो साटा बनाया है ना घी का, उसको लगा देंगे। ऊपर से मैदा को छिड़क देंगे अच्छे से, और इसके बाद दूसरी रोटी लगाना है और फिर से आपको साटा लगा देना है, और उसके बाद आपको ऊपर से मैदा छिड़क देना है। इसी तरीके से आपको करना है। बहुत ही बढ़िया स्नैक बनकर तैयार होता है। जब भी आपको झटपट से स्नैक बनाना हो चाय के साथ खाने के लिए, तो आप इस तरीके से फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो बिल्कुल नया तरीका है और सबसे आसान है। तो इसी तरीके से स्नैक में आप मठरी की रेसिपी और गेहूं के आटे से बने बिस्किट, नमकीन, वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जरूर देखें। और इस तरीके से आप 6 रोटी को लगाकर देखिए साटा और मैदा लगाकर तैयार कर लेना है, और हल्का सा इसको देखिए पतला बेल लेना है। देखिए इस तरीके से जैसा मैं दिखा रही हूँ। तो एक बार देखिए छुट्टियाँ चल रही हैं और आपको कुछ नया बनाकर रखना है बच्चों के लिए, चाय के साथ खाने के लिए, तो ये वाला स्नैक जरूर ट्राई करिएगा। अब बस बढ़िया से आपको टाइट रोल इस तरीके से कर लेना है, और देखिए बिल्कुल अच्छे से टाइट रोल बनाना है आपको, और इस तरीके से देखिए पतला कर लेना है। और देखिए मैं यहाँ पर हाफ कट कर दे रही हूँ, थोड़ा लंबा पड़ रहा है। उसके बाद देखिए आप चाकू लीजिए और इस तरीके से 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, कोई टाइम नहीं लगता है। और देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, और देखिए इस तरीके से जो देखिए 6 रोटी की परतें हैं ना, सारी परतें खुल कर आएंगी और बहुत ही बढ़िया खाने में ये स्नैक लगता है। देखिए मैंने कट कर लिया है, अब आपको इस तरीके से देखिए रखना है 1 पीस,
और देखिए हल्के हाथों से इसको बेल देना है, देखिए इस तरीके से लंबाई में, तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो मैं सारे इस तरीके से ही बेल कर तैयार कर लेंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये टी टाइम वाला स्नैक जरूर बनाइए, इसको बना कर रख लीजिए महीने भर के लिए। छुट्टियां चल रही हैं, सुबह शाम चाय के साथ खाने के लिए इस तरीके से आप गेहूं के आटे से ये नए तरीके का एकदम यूनिक स्नैक जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको देखिए कर लेना है, तो सारे बेल लेने हैं। देखिए इस तरीके से पहले से ही आप बना कर रख सकते हैं। और क्या करना है, अब लेना है आपको चाकू, साइड में हल्का सा कट कर देना है, देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए जो 6 रोटी ली थी ना, तो 6 परतें बन जाती हैं, तो ये सारी जब फ्राई करते हैं ना सारी खुल कर आती हैं, बहुत ही खस्ता स्नैक बनता है। इस तरीके से सारे कट कर लेने हैं, सारे कट करके आपको एक प्लेट में रख लेना है। तो देखिए मैंने सारे स्नैक को तैयार कर लिया है, आप इनको पहले से ही बनाकर रख सकते हैं आधा घंटे के लिए, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ये टाइट पड़ जाएंगे तो और भी खस्ता बनेंगे। जब भी मेहमान घर में आ जाए, कुछ नया स्नैक बनाकर खिलाना है, तो आप इस तरीके से ज़रूर ये वाला स्नैक बनाएं। अब मैंने यहाँ पर देखिए रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है, तो तेल आपका ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए, और इस तरीके से आपको डाल देने हैं, जितने इसमें आ जाएँ सही से उतने आपको डाल देने हैं। और डालने के बाद देखिए आपको 1 मिनट वेट करना है, उसके बाद हल्का सा इसको देखिए तेल के साथ हल्का सा घुमाना है, इससे ये जो परतें हैं ना सारी खुल कर आएंगी। इनके ऊपर डालना है आपको तेल, अभी आपको गैस कम नहीं करनी है, 1 मिनट बाद आपको सिर्फ आधा मिनट तक इस तरीके से करना है, उलट पलट कर देना है तो सारी खुल कर आएंगी। उसके बाद आपको 5 से 6 मिनट ऐसे ही पड़ा रहन देना है इसको, और उसके बाद पलट देना है, तो दोनों साइड से आपको एकदम से बढ़िया से सेकना है, जिससे अंदर से भी सिके, क्योंकि ये मोटी परत हो जाती है ना, तो इसको सिकना भी बहुत ज़रूरी है अंदर से। तो एकदम बढ़िया खस्ता जब सिक जाए बढ़िया से, देखिए तब आपको निकाल लेना है। देखिए कितना बढ़िया ये देखिए स्नैक बनकर तैयार है, सारी परतें खुलकर आई हैं। इसी तरीके से और भी जो वेज है उसको आपको फ्राई कर लेना है, तो मैं कर ले रही हूँ सारा। तो इधर देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम खस्ता ये गेहूं के आटे से बना नया स्नैक बनकर तैयार है, इसको आप एक बार बना कर रख लीजिए, सुबह हो या शाम चाय के साथ एंजॉय करिए, या फिर इसको आप सफ़र में ले जाइए। तो देखिए बनकर तैयार हैं ये देखिए 6 रोटी से एकदम नया तरीके का टी टाइम स्नैक, तो आप भी ज़रूर बनाए। देखिए एकदम खस्ता बना है, अभी ये गर्म है ना, ठंडे होने के बाद और क्रिस्प हो जाते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो आज की ये गेहूं के आटे से बनी नई रेसिपी आपको कैसी लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और भी मेरे चैनल पर ज़रूर वीडियो देखिएगा, क्लिनिक के वीडियो, रेसिपी वीडियो, शॉर्ट रेसिपी वीडियो भी चैनल पर है, ज़रूर देखा करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।